दोस्तों आज के इस वीडियो हम बात करेंगे DNT कॉइन डिस्ट्रिक्ट 0x कॉइन के प्राइस मोमेंट के बारे में। करेंटली इसकी प्राइस 0.0370 USDT पर देखने को मिल रही है। एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट इस कॉइन के अंदर देखने को मिल रहा है, एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के अंदर ये कॉइन हमें देखने को मिल रहा है। और आप अगर इस कॉइन का एंट्री देख रहे हैं, आप अगर इस कॉइन में एंट्री लेना चाहते हैं तो कौन से एरियाज आपके लिए बेस्ट एंट्री पॉइंट्स हो सकते हैं, कहां पर आपको इस कॉइन में एंट्री लेनी है, प्रॉपर स्ट्रेटजी आपको क्या फॉलो करनी है, आने वाले दिनों में आपके लिए टारगेट्स क्या रहेंगे, एज अ ट्रेडर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से आप किन एरियाज पर नज़रें बनाए रख सकते हैं, कहां पर आपको सेल आउट करना है, कौन से आपके सेल टारगेट रहेंगे, प्रीवियसली आपने इस कॉइन में अगर बाय किया है, एंट्री ली है, तो वहां तक प्राइस यानी ऊपर की तरफ आपने बाय किए हैं तो आपका अमाउंट कब तक रिकवर होगा, ऊपर के किन एरियाज पर इसकी प्राइस जाएगी, सारी चीज़ों के बारे में बात करें इस वीडियो के अंदर। करेंटली अगर बात करें तो 370 वाले एरिया पर ये कॉइन ट्रेड कर रहा है। सपोर्ट एरिया की अगर बात करें तो 0.0370 वाला एरिया जो है एक अच्छा सपोर्ट एरिया जहां पर ये कॉइन करेंटली ट्रेड कर रहा है। डेली के अंदर अगर बात करें तो प्रीवियस लूना अटैक के टाइम पे यहां पर इसने 336 वाला लो बनाया था और करेंटली 312 तक इसकी प्राइस गई थी, यानी उसी एरिया पर ऑलमोस्ट वहीं तक गई थी। वहां पर सपोर्ट एरिया की बात करें तो 0.030 इसको सपोर्ट एरिया देखने को मिला। वहां से अभी तक इसमें ऑलमोस्ट 10% का पंप हुआ, जो कि कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, एक बहुत ही नॉर्मल सा पंप है, यानी कि इस एरिया पर इसकी जो प्राइस है वो स्टेबल है, 3220 के ऊपर स्टेबल है। इस एरिया पर स्टेबिलिटी में इसने मेंटेन की, 4-5 दिन हो चुके हैं, यानी कि अब एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। देखिए डाउन ट्रेंड के अंदर आपको बाइक करना है, लेकिन जब मार्केट गिरता है, आज गिर रहा है, सुबह गिर रहा है, शाम को गिर रहा है, कल देख रहे कल भी गिर रहा है, रेगुलर 3-4 दिन से अगर गिर रहा है तो उस गिरते हुए मार्केट में आपको एंट्री लाइन नहीं लेनी है, गिरते हुए कॉइन में एंट्री नहीं लेनी है। कॉइन अगर गिर रहा है, जैसे लूना की अगर बात करें तो लूना में बहुत लोगों के पैसे, जितने लोगों ने प्रीवियसली एंट्री ली थी लगभग उतने ही लोग जो है उसके गिरने पर भी उसमें बाय किया और उसमें पैसे गंवाए हैं, तो वो चीज़ अलग हो जाती, वो उसका जो प्रॉब्लम हुई थी वो अलग थी। लेकिन किसी भी कॉइन की अगर बात करें, जब तक वो गिर रहा है गिरते में एंट्री नहीं लेनी, जब तक वो स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं करता है, 2-3 दिन स्टेबिलिटी एक सपोर्ट एरिया को मेंटेन करके वहाँ पर स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं करता है, तब तक उसमें एंट्री हमें नहीं लेनी, वहाँ हाथ नहीं डालना है। आग जो है, जलती हुई भयंकर आग जो है, उसमें हाथ नहीं डालना है। नॉर्मल जब ठंडी हो जाए, जैसे ठंड का मौसम रहता है, ठंड में हम आग जलाते हैं, उसमें हम तापते हैं, तो वहाँ पर जो बहुत तेज़ आग रहती है हम उससे दूर ही रहते हैं। जब थोड़ी सी ठंडी हो जाती है वहाँ पर हम उस हल्की आँच में हम तापते हैं। तो ये चीज़ें हर जगह जो है वो इस टाइप की चीज़ें चलती है। तो यहाँ पर जो है आपके एंट्री की अगर बात करें तो 0.0370 जो करेंट प्राइस है, एक अच्छा एरिया, यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। थोड़ा सा पंप है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर आपको एंट्री लेनी है 80% पार्ट से, जो भी आप अमाउंट लगाना चाहते हैं उसके 80% पार्ट से आप यहाँ पर एंट्री लें। आपको अमाउंट बचाना है 20% पार्ट, 20 से लेकर 25% आपको बचाना है। अगर ये अपने 370 वाले सपोर्ट एरिया को ब्रेक करता है, उससे नीचे अगर जाता है, तो आपको 0.0350 वाले एरिया पर सेकेंड एंट्री लेनी, बाकी जो 20 से 25% पार्ट आप बचाएंगे उससे आपको सेकेंड एंट्री लेनी 0.0350 पर। तो आपकी एक अच्छी एवरेज बाइंग हो जाएगी और आपकी एक सेफ एंट्री भी रहेगी। इसके अलावा स्टॉप लॉस भी आपको प्रॉपर लगाना है। अगर ये कॉइन 330 से नीचे अगर जाता है, 330 को टच करता है, तो 330 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। तो ये आपके लिए थोड़ा रिस्की भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाएंगे, प्राइस अगर नीचे चली गई, बाई चांस वाली बात है। हालांकि एक अच्छी सेफ एंट्री है, एक अच्छे डिप के अंदर हम इसमें एंट्री ले रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना है स्टॉप लॉस का भी। प्रॉपर आप अगर मैनेजमेंट नहीं करेंगे, प्रॉपर मनी मैनेजमेंट नहीं करेंगे, प्रॉपर सिस्टमेटिक वे में, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ आप मार्केट में नहीं रहेंगे, तो आप ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाएंगे। पोर्टफोलियो आपका 40-50% 60% भी डाउन हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं, क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर बहुत सारे लोगों का करेंटली है भी सेम। अब यहाँ से ऊपर की तरफ टारगेट्स की अगर बात करें तो देखिए इसमें मूवमेंट कोई खास अभी तक हुआ नहीं है, और जब भी एक मूवमेंट होगा, प्रीवियस हिस्ट्री की बात करें तो नॉर्मली इसमें यहाँ पर 791 से इसने 30 वाला एरिया तक टच किया है। इसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो 7 वाले एरिया से 14, यानी नॉर्मल से नॉर्मल आपको
एक डेली बेसिस पर 1 या 2 दिन के अंदर ये एक अच्छे बंप के साथ 50 से 80% तक का प्रॉफिट आराम से आपको देकर चला जाएगा। तो जो लोग एज अ ट्रेडर एंट्री ले रहे हैं, जो लोग ट्रेडिंग करते हैं, स्कैल्पिंग करते हैं, डे ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए टारगेट की अगर बात करें तो कि प्रीवियस जो एरिया है लूनाटेक के बाद जो उसने रिकवरी की थी उसमें ये 480 से लेकर के ऑलमोस्ट 650 तक ये ट्रेड कर रहा था। तो हमें उसी एरिया पर ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुक करना है। यहाँ से आपके लिए टारगेट जो है, यहाँ से ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस एरिया की अगर बात करें तो 440 वाला ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस एरिया, 370 तो इसको करेंटली फेस करने को मिल रहा है, यहीं पर ही अप एंड डाउन हो रहा है, लेकिन इससे ऊपर 440, उसके बाद 540। तो 540 के ऊपर जैसे ही ये जाता है, 540 का अराउंड जैसे ही जाता है तो वहाँ पर आपको 560 से लेके 570 का अराउंड में सेल आउट करना है 50% पार्ट। वहाँ तक आपको एक अच्छा खासा 50% से ज़्यादा का प्रॉफिट देखने को मिलेगा। कहाँ पर? 570 पर। उसके बाद 570 से ऊपर की तरफ जाता है और अपने 0.062 वाला जो एरिया है वो एक इसको रेजिस्टेंस एरिया है, उसके बाद आपको 650 पर बाकी जो 50% पार्ट है वो सेल आउट करना है। दो पार्ट में आपको सेल आउट करना है, 560 70, उसके बाद 640 से लेकर 650, ये दो पार्ट में आपका जो 50-50% है वो सेल आउट करना। अगर ये 6 से ऊपर नहीं जा पाता है तो बाकी जो 50% पार्ट है उसमें आपका एक प्रॉफिट बुक हो जाएगा। प्रीवियस जो आपने 570 पर हम प्रॉफिट बुक करेंगे तो वहाँ पर हम सेफ हो जाएंगे, और अगर ये वापस नीचे की तरफ आता 4 वाले एरिया या 450 पर तो हम वापस एंट्री ले सकते हैं और हमारा रिस्क भी वहाँ पर कम हो जाएगा, और अगर 65 वाले के एरिया को टच करता तो बाकी जो सेकंड पार्ट है उनमें सेल आउट करना। शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो शॉर्ट टर्म के अंदर टारगेट की अगर बात करें तो ऑलमोस्ट आप 8 वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है जहाँ पर ये प्रीवियसली ट्रेड कर रहा था, 8 वाला जो एरिया 0.08 सेंट वाला एरिया, ये आपके लिए शॉर्ट टर्म के अंदर टारगेट रहेगा। लॉन्ग टर्म के अंदर अगर आप देख रहे हैं इस कॉइन के अंदर तो यहाँ पर 25 से लेके 30 सेंट एक अच्छा एरिया है, जहाँ तक जो हम जहाँ पर ये प्रीवियसली ट्रेड कर रहा था। अगर आप प्रीवियस टाइम की बात करें, वो लंबा टाइम फ्रेम है, ऑलमोस्ट 8 to 10 मंथ या 1 ईयर की बात करें, तो इस एरिया पर ये नॉर्मली ट्रेड करता हो, आपको 20 से लेके 25 करोड़ में ट्रेड करता हो दिखा था, तो उस एरिया वो वाला जो एरिया है 25 से लेके 30 सेंट आप अपना टारगेट रखें। वो लॉन्ग टर्म में आपको पता है, लॉन्ग टर्म में आपके डिप बाइंग हो जाती है और एक अच्छा प्रॉफिट लॉन्ग टर्म में आपको मिल जाता है, लॉन्ग टर्म में ज़्यादा रिस्क नहीं रहती। तो ये सारी चीज़ें हैं इससे रिलेटेड, बाकी यहाँ पर बाय और सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें। यहाँ पर हम कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं दे रहे हैं, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से है ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस टाइप के वीडियोज़ आपको रेगुलर बेसिस पर मिलते रहें। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में हमारे सोशल मीडिया अकाउंट, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर के लिंक है, उनको भी आप ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट्स लाते हैं, जो कि यहाँ पर अपडेट हम इतनी जल्दी नहीं ला पाते, तो वो भी आपके लिए बहुत ही प्रॉफिटेबल है।